कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री चेत राम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के कार्य करवाने में लगातार असफल रही है और कोरोना काल में भी आम जनता के लिए सही ढंग से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री चेत राम ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और आए दिन कोई न कोई नया घोटाला सामने पेश आ रहा है जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने 10 अक्टूबर को मंडी में आयोजित हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में किसान वर्ग के साथ साथ बेरोजगार युवाओं ने भी हिस्सा लिया था, जो कि इस बात को दर्शाता है कि सरकार की नाकामियों से प्रदेश का हर वर्ग भली भांति परिचित है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री चेतराम ने मंडी में आयोजित हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में उपस्थित हुए सभी पार्टी के पदाधिकारियों और किसान वर्ग का भी धन्यवाद व्यक्त किया। लोगों की मांग थी, लोग चाहते थे कि मंडी जिले से मुख्यमंत्री बने, तो बने, कांग्रेस के नहीं बने, भाजपा के बने। इसमें सभी ने प्रसन्नता जाहिर की शुरू में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री जो मंडी जिला से और खास तौर पर राज से बने हुए हैं, ये कई मामलों में फेल होने के कागार में साबित हुए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा बचता है, काम का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, इनके पास जो मुद्दा बचता है वो केवल इसी बात को लेकर के चले हुए कि मंडी में 17 साल में मुख्यमंत्री बना, मंडी का मुख्यमंत्री बना, और लोगों को भ्रमित इसी तरीके से किए जा रहे हैं। इनके पास ना कोई विकास का विजन है, ना विकास की कोई बात है, ना लोगों के इनके ऐसे कोरोना काल में ना कोई लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था है, चाहे किसी भी मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों के लिए व्यवस्था नहीं है। हर रोज हर महीने नए नए घोटाले जो प्रदेश में उत्पन्न हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कलेक्टर का पेपर अभी 2 दिन पहले लीक हो गया। इससे क्या प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ है? लोग कह रहे कि सराज में काम हो ही जा रहे हैं। सराज के बारे में अलग तौर पर मैं बात करूंगा, विकास के बारे में कभी अलग से मैं बात करना चाहूंगा। अभी हम जिला मंडी में जो किसान सम्मेलन जो हुआ है, इसके लिए मैं जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सहयोग दिया कार्यकर्ताओं ने, मुझे मालूम है, मुझे पता है, और जिनने सहयोग दिया उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं भी दिया सहयोग उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाले समय में जरूर देंगे सहयोग, देंगे कांग्रेस के लोग। छुटपुट कमियां रही हैं उनका, प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष देख रहे हैं इस बात को, उनको आने वाले समय में उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, मगर लोगों में एक बदलाव की भावना समय से पहले ही चल पड़ी है। हम इसको बरकरार रखेंगे और तेजी के साथ मंडी जिले में कांग्रेस का जो मोबिलाइजेशन है इसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत से कार्यकारिणी है, इस पर बहुत अच्छी जिला मंडी की बनी हुई, काफ़ी लोग तजर्बेकार लोग इसमें शामिल हैं। अभी 10 तारीख को श्री कुलदीप सिंह राठौर माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार मंडी जिला में एक किसान सम्मेलन का आयोजन करने के लिए फैसला लिया गया था। इस सम्मेलन में बहुत से कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया
और भारी मात्रा में मंडी जिला से और बाहर से भी किसान साथियों ने भाग लिया। ये जो किसान सम्मेलन हुआ ये मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री प्रकाश चौधरी पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन में 2000 के करीब कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी और किसानों ने भाग लिया। और विशेष तौर पर इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला जी ने भी स्वीकृत की, जिसकी वजह से सम्मेलन में और ज़्यादा उत्साह बढ़ा सम्मेलन का। कुल मिलाकर के हम इस बात को देख रहे हैं, इस बात को आंका गया, हमारी जो सम्मेलन में जिन लोगों को बुलाया था, जिन किसानों को बुलाया था, उससे 3 गुना सम्मेलन में लोग आए। इसे साफ संकेत है कि आने वाले समय में मंडी जिला में, विशेष तौर पर मैं मंडी जिला की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ लेकिन मंडी जिला से ताल्लुक रखता हूँ इसलिए मंडी की बात कर रहा हूँ, मंडी जिला में आम लोग, किसान है, बागवान है, मजदूर है, कर्मचारी है, कोई भी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, किसी भी वर्ग के लोग जो हैं वो वर्तमान सरकार से इनका मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रणाली है, कांग्रेस पार्टी की जो रूपरेखा है, जो हमने फील्ड में फेंकनी है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। और फिर से एक बार जिन जो लोग इसमें कार्यकर्ताओं ने जो भाग लिया, पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका मैं के चैनल के माध्यम से पूरे सबका मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से अपने अपने जिस क्षेत्र में, जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, वो करने की कृपा करें, यही मुझे कहना है।